सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस बात को लेकर कि हम जियो के नंबर की कॉल को कैसे रिकॉर्ड करें, व्हाट्सएप की कॉल कैसे रिकॉर्ड करें, या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिससे आप किसी के पास कॉल करते हैं तो उसकी कॉल को कैसे रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, जो हम एंड्रॉयड से डायरेक्ट कॉल करते हैं या फिर किसी भी मोबाइल से डायरेक्ट कॉल करते हैं, उसको तो हम ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो होती है वॉइप कॉल, VOIP कॉल बोलते हैं इसको, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये कॉल को जो है रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड की कुछ सिक्योरिटी है, जो वॉइप कॉल होती है वो इनक्रप्टेड डाटाबेस पर चलती है, यानी कि जिसने वो कॉल उठाई और जिसने वो कॉल करी उसी के बीच में वो बात रहती है, तीसरे पर्सन को वो लीक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दो ट्रिक बताऊँगा। पहली ट्रिक से तो शायद काम ना बने आपका, लेकिन दूसरी ट्रिक से आपका 101% काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है CubeACR। जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो इस तरह से ओपन होती है, यहाँ से आप नेक्स्ट पे करेंगे ओके और इसको करेंगे एग्री, और यहाँ से जो है इसको परमिशन दे देंगे अपने मोबाइल को, जो भी परमिशन मांगेंगे आपसे मोबाइल की। ठीक है, और सभी परमिशन देने के बाद इसको कर देंगे ओके और यहाँ से कर लेंगे फ़ोन। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से एप्लीकेशन जो है एक्टिव हो जाएगी आपकी। अब दोस्तों, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जब भी आप किसी के पास कॉल करते हो या फिर उधर से किसी की कॉल आती है, तो आप कॉल अटेंड करने के बाद या फिर किसी के पास कॉल करने से पहले आपको ये काम करना है। ठीक है, जैसे कि अब आप किसी पे व्हाट्सएप पर कॉल करने वाले हो या फिर जियो के नंबर से कॉल करने वाले हो, जो कि जियो 4G वॉइस द्वारा संभव होता है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे की साइड बटन दे रखा है इसको दबाएंगे, और इसको दबाने के बाद आपके जो कॉल है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये नीचे वाला बटन दबा देना है, और जब इसको आप दबा देंगे उसके बाद आप अपने नंबर डायल करेंगे किसी भी एप्लीकेशन से या व्हाट्सएप से, कुछ भी हो वो जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब वो फाइनली रिकॉर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर उसके आपको लिस्ट जो है दे दी जाएगी, आप इसके द्वारा फिर जो है उसको सुन सकते हो। ये मतलब उसके लिए है जो आपके कॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद दूसरा तरीका, ये एप्लीकेशन तो आप यूज़ कर ही सकते हो, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसके बाद दूसरा तरीका ये है, आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, तो आप जब भी किसी के पास व्हाट्सएप पे या फिर जियो के नंबर से कॉल करते हो, तो सबसे पहले आपको जो है ये जो A2Z स्क्रीन रिकॉर्डर है, आपको ये ऑन कर लेना है इसको डाउनलोड करने के बाद, और आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे, स्क्रीन के साथ साथ आपकी जो है जो कॉल आप कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज जो वॉइप कॉल होती है वो इनक्रिप्टेड रहती है, एंड्रॉयड मोबाइल उसको कभी भी ऑटोमेटिक जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये कुछ सिक्योरिटी रहती है मोबाइल की जिसको बाईपास करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीके से आप जो है इस काम को कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।